नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टीजेड। नर्स संहार में पांचों लोगों की हत्याओं का कातिल निकला नफीस। प्रॉपर्टी हड़पने के लालच में नफीस ने ही अपने भाई के परिवार को तारा मौत के घाट। नफीस ने बूढ़ी दादी, भाई, भाभी, भांजी और भतीजी सभी को घर में अकेले दौड़ा दौड़ा कर उतारा मौत के घाट। मृतक रहीस का भाई नफीस ही है नरसंहार का मुख्य आरोपी। हमीरपुर पुलिस ने नफीस से सख्ती से पूछताछ कर किया खुलासा। कल सदर कोतवाली के लक्ष्मीबाई तिराहे पर हुआ था नरसंहार। आपको बताते चले कि विगत दिनांक 27 मई को जनपद हमीरपुर के रानी लक्ष्मीबाई तिराहे के पास एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिसमें 24 घंटे में ही प्रशासन की गहन पूछताछ एवं मामले की जांच करते हुए इस भयानक सामूहिक हत्याकांड का खुलासा कर दिया। हत्यारे भाई नफीस ने पुलिस की सख्ती से की गई पूछताछ में अभियुक्त नफीस ने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया है कि विगत दिनांक 27 मई को दोपहर करीब 3 बजे वो घर में शराब लेकर आया और पीछे वाले कमरे में जाकर शराब पी। शराब पीने के बाद उसने अपनी भांजी रोशनी को खाने के लिए कहा तो उसी समय नफीस का छोटा भाई रहीस आ गया और उसने भाई को नशे में देखकर खाने के लिए मना कर दिया और घर से बाहर जाने के लिए धक्का मुक्की की। इस पर उन दोनों का विवाद बढ़ गया और रहीस ने रफीस की गर्दन पकड़ ली। इस पर रफीस धक्का देकर अपने भाई से अलग हुआ और पास रखे हथौड़े से अपने भाई पर हमला कर मरणासन्न हालत में कर दिया। शोर सुनकर जब बाकी घर के लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने बारी बारी से बाकी घर के सदस्यों पर हथौड़े से प्रहार करके मौत के घाट उतार दिया। पुलिस टीम द्वारा घटना के अनावरण के संबंध में कार्रवाई करते हुए आज 28 मई को ही घटना में संलिप्त प्रकाश में आए मृतक रहीस के बड़े भाई आरोपी रफीस 32 वर्ष पुत्र नूर बख्श निवासी लक्ष्मीबाई तिराहा सदर कोतवाली हमीरपुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एडीजी प्रयागराज जॉन एसएन सावत ने गिरफ्तार करने वाली टीम कुशल पाल सिंह प्रभारी निरीक्षक सदर कोतवाली हमीरपुर मय हमरा एवं ब्रजेश चंद्र यादव निरीक्षक स्वास्थ्य टीम मय हमरा दोनों टीमों को 25,000 रुपए की इनाम की घोषणा की है। समाचार टीजेड के लिए हमीरपुर से योगेश साहू की रिपोर्ट। कल लक्ष्मीबाई तिराहा के पास एक घटना हुई थी। एक परिवार में पांच सदस्यों की हत्या की गई थी। उनको हथौड़ा या अन्य किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट में कुचल कर उनका हत्या की गई थी। जिस घटना पर पुलिस हरकत में आई, घटना की सूचना लगभग 8:30 बजे हमें प्राप्त हुआ था और उसके बाद पांच टीमें बनाकर यहां पर स्थानीय पुलिस एसपी साहब के नेतृत्व में लग गए थे और उसके बाद अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी बार बार इन्हें मार्गदर्शन मिलता था। डीआईजी साहब भी कैंप करते रहे और हम लोग ने प्रयास किया कि इसको शीघ्र पर्दाफाश करने के लिए, क्योंकि मानवता के विरुद्ध इतनी बड़ी घटना था और अत्यंत सनसनी भी फैल गई थी और पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। इस घटना में रईस पुत्र नूरबख्श और उनकी पत्नी रोशनी और बेटी 3 साल की अलिया और शकीना और उसके साथ रोशनी, ये 5 सदस्य जो है एक घर के, जिनको मौत के घाट पर उतार दिया गया था। इस घटना में जो मुख्य अभियुक्त जांच के बाद और विभिन्न वैज्ञानिक तथ्यों को संकलित करने के बाद ये पता लगा कि इनके सगे भाई जो कि इस समय पुलिस के कस्टडी में है, नफीस जिनका उम्र लगभग 30 वर्ष है और ये ड्राइवर का कार्य करता है और उसके द्वारा ये कारित किया गया है और उसने जो चीज़ें बताया है और जो वैज्ञानिक तथ्य है, जो हमारे साक्ष्य संकलित किया गया है, वो सभी टैली कर गया है और उससे ये पता लगा कि ये कल 2 बजे से 3 बजे के बीच में लगभग ये घटना हुआ है। 2 बजे 4 बजे तक ये घटनास्थल पर वहाँ पे था और ये जाके उसके भाई के साथ पहले उसकी लड़ाई होती है और गुत्थम गुत्था होता है। उसके बाद भाई शारीरिक रूप से इसके बताने के अनुसार ज़्यादा मजबूत भी था, उसने भी इसका गला पकड़ने की कोशिश किया और उसके बाद ये हथौड़ा ला के उस पर वार किया और उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु को छुपाने के लिए, क्योंकि परिवार के अन्य सदस्यों के संज्ञान में ये था, उनको ताकि ये बता ना दे दूसरे लोगों को तथ्य को, जो साक्ष्य को छुपाने के लिए, इसके द्वारा बारी बारी करके एक के बाद एक, इवन जो एक 3.5 साल की बच्ची, जब हमने पूछा कि 3.5 साल की बच्ची ने क्या किया तो उसने कहा कि वो भी सब बात बोलती थी और उसने भी देखा हुआ था, तो इसलिए उसको छोड़ना इसके लिए सही नहीं था, जिसके कारण ये घटना क्या है ये भी पता लगा। ये पहले से भी कुछ शराबी प्रवृत्ति का है और इसके द्वारा कल बैंक भी ये गया था और उसने शराब भी पिया था। क्या आरोपी अपराधी प्रवृत्ति थे?
इसके साथ इस पे दो केस है, एक एक्सीडेंटल केस है जिसमें 5 व्यक्तियों की मौत हो गई थी, और एक बोलेरो चोरी का है जिसमें पहले केस में वो जेल में भी था, और दूसरी घटना जो है ये बोलेरो चोरी का दिल्ली मुखर्जी नगर से था और जिसमें भी ये जेल में गया हुआ था। ये दो केस तो अभी तक हमें मिला, और इसके और डिटेल जो भी बातें हैं अभी, क्योंकि अभी पुलिस के द्वारा अरेस्ट हो गया है और पता करके हम लोग बताएंगे। क्या जिस टीम ने इस पूरे मामले को ओपन किया उसके लिए? हमारे जो टीम ने किया है, एक तो हमारे प्रभारी निरीक्षक है कुशलपाल सिंह, ये कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक है। हमारे 5 टीम कुल लगे थे, और लेकिन ये जो टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया है, और उसके साथ ब्रजेश चंद्र यादव जो निरीक्षक स्वाट टीम के हैं, उनको बहुत अच्छा कार्य रहा है। इन दोनों टीम को हम लोग 25,000 रुपया इनाम देंगे, और शेष अन्य टीमों को भी, अन्य जो जिनका भी यहाँ पे योगदान रहा है उनको हम विशेष प्रशंसा।